जॉन विक चैप्टर 1 में हमने देखा था एक बेहद ही बड़ा गैंगस्टर होता है जॉन विक, लेकिन अब वो सारे बुरे काम छोड़ चुका है एक लड़की और उसके प्यार के लिए। लेकिन एक दिन बीमारी से उस लड़की की मृत्यु हो जाती है और उस लड़की ने मरने से पहले जॉन विक को एक डॉग तोहफे में दी थी और वो डॉग जॉन विक के प्यार की आखिरी निशानी थी, जो जॉन विक को जान से भी प्यारा था। लेकिन लोसेफ नाम का एक बड़ा माफिया का बेटा उस डॉग को मार डालता है और जॉन विक की फेवरेट कार चुरा लेता है। इसी कारण से जॉन विक अपनी सारी अच्छाई को छोड़ के उसी नफरत की दुनिया, अंधेरी दुनिया में फिर से चल पड़ता है और लोसेफ को कहीं से भी ढूंढ निकालता है और उसे मार डालता है। बीच में लोसेफ के पिता वीगो, जो एक बहुत बड़े माफिया था, वो आता है, लेकिन जॉन विक उसकी जान नहीं बख्शता और उसे भी मार डालता है। ये थी जॉन विक चैप्टर 1 की कहानी। अब शुरू होती है जॉन विक चैप्टर 2। मूवी की शुरुआत में हमें एक माफिया अब्राहम को दिखाया जाता है, जो लोसेफ का चाचा होता है, जिसके आदमियों को जॉन विक बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार रहा था, क्योंकि अब्राहम के पास जॉन विक की कार थी और ये कार वही कार होती है जो फर्स्ट पार्ट में लोसेफ ने चुराई थी। और जॉन अब्राहम के अड्डे में आता है, उसके सारे लोगों को जान से मारता है और अपनी कार हासिल करता है, और इसी मारामारी में वो कार लगभग नष्ट हो चुकी थी। फिर जॉन विक अब्राहम के केबिन में एंटर होता है। अब्राहम डरा हुआ कहता है, मुझे कोई भी झगड़ा नहीं चाहिए, तुम अपना कार ले जाओ, मुझे बस शांति दो। मिस्टर विक वहाँ एक ड्रिंक पीते हैं और कहते हैं शांति के नाम। फिर वो कार लेके वहाँ से घर चले आते हैं। इसके बाद जॉन कार को ठीक करने के लिए अपने दोस्त अरिलियो को देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जॉन विक अब सोचता है वो सुकून की जिंदगी जिएगा। वो अपनी सारी हथियार को फिर से दफन कर देता है। अब आधी रात हो चुकी थी, जॉन विक के घर नॉक होता है। जॉन देखता है उसका पुराना तो सेंटिनो आया है। जॉन उसे अंदर आने देता है, लेकिन यहाँ सेंटिनो का इरादा कुछ और था। वो जॉन को एक मार्कर देता है जिसमें जॉन का खून लगा हुआ था। सेंटिनो कहता है, जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी मैंने तुम्हारी मदद की, और अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम मेरी मदद करोगे। जॉन कहता है, सॉरी सेंटिनो, पर मैं अब वो राहत छोड़ चुका हूँ, मेरी जिंदगी अब कुछ और है। सेंटिनो कहता है, तुम्हारी यह जिंदगी, तुम्हारा यह घर मेरे बदौलत है, मेरे मदद के लिए ही तुम आज इस जगह हो। तुम जानते हो ना, तुम्हारा मार्कर मेरे पास है, इसका मतलब मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ। जॉन कहता है, तुम सही कह रहे हो सेंटिनो, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। ये कहके वो उसे घर से बाहर कर देता है। यहाँ सेंटिनो बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो निकलता है और फिर जॉन विक के पूरे घर को ही उड़ा देता है। मिस्टर विक के सामने उसकी बीवी की तस्वीर जल रही थी, जिस बीवी से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत है, और मिस्टर विक के अंदर भी गुस्से की आग जल रही थी। इसके बाद विक कॉन्टिनेंटल होटल जाते हैं और अपने दोस्त विंस्टन से मिलते हैं और सब कुछ बताते हैं। विंस्टन कहता है, देखो जॉन, दो रूल्स तुम्हें मानने ही पड़ेंगे। पहला, कॉन्टिनेंटल ग्राउंड के अंदर कोई भी खून खराबा नहीं, और दूसरा, मार कर दिया है तो उसे पूरा करना पड़ेगा। देखो जॉन, सब कुछ जानते हुए ही तुमने उसे मार कर दिया था और तुम्हें उसका काम पूरा करना ही होगा। इसके बाद तुम उसे मार डालो, उसका घर जला दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। याद रखना जॉन, सेंटिनो का काम पूरा करने से पहले अगर तुमने उसे मारा तो तुम मरोगे, और अगर तुमने उसका काम पूरा नहीं किया फिर भी तुम मरोगे। यह जॉन सब कुछ सुनने के बाद निर्णय लेता है, वो सेंटिनो का काम करेगा। जॉन सेंटिनो से मिलता है और काम पूछता है। सेंटिनो बताता है, मेरे पिता हाई टेबल के मेंबर थे और उन्होंने मरने से पहले अपनी सीट मेरी बहन को दी है, उनका एक बेटा है ये जानते हुए भी। अब मेरी बहन हाई टेबल की मेंबर है, जॉन तुम उसे मार डालो और वो सीट मुझे दिला दो, बस ये मेरा काम कर दो जॉन, फिर तुम आजाद हो। वो अभी रोम में है। नेक्स्ट सीन में जॉन रोम में आ जाता है और एक जगह से अपना सामान लेता है। मिस्टर विक रोम के कॉन्टिनेंटल होटल में जाते हैं, जहां का मैनेजर जॉन विक का दोस्त था। दोनों बातें करते हैं और मैनेजर जॉन विक को एक बहुत ही अच्छा कमरा देता है। इसके बाद जॉन विक कुछ जगह जाता है, जहां वो पहला जगह जाता है और बहुत सारी जबरदस्त गन खरीदता है। इसके बाद वो एक इंसान के पास जाता है, वो इंसान जॉन विक को बहुत सारे बुलेट प्रूफ कोट बना देता
करता है। आखिर में वो एक इंसान के पास जाता है जो उसे एक नक्शा दिखाता है और एक की देता है अंडरग्राउंड की, जिससे सीधे और आसानी से मिस्टर विक सैंटिनो के बहन के पास पहुंच जाएगा। और यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं, यहाँ हर वक्त ही सैंटिनो का आदमी जॉन विक पे नजर रखे हुए था। नेक्स्ट सीन में जॉन विक रेडी होता है और उस रास्ते से एक जगह पहुंच जाता है जहां पार्टी चल रही थी और वहां सैंटिनो का बहन भी थी। वो लेडी अपनी बॉडीगार्ड से कहती है उसे फ्रेश होना है, इसीलिए बॉडीगार्ड बाहर वेट कर रहा था। वो लेडी रूम में मिरर देख रही थी तभी उनके पीछे जॉन विक आ जाता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। लेडी समझ जाती है जॉन विक उसे मारने के इरादे से आया है और उसकी मौत तय थी, ये वो लेडी जानती थी। लेडी पूछती है किसने भेजा है। जॉन विक कहता है तुम्हारे भाई ने, उसे तुम्हारी गद्दी चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ, उसके पास मेरा मार्कर है। वो लेडी कहती है जॉन मेरी आखिरी विश पूरी करोगे। जॉन कहता है हाँ। वो लेडी कहती है मैं मौत भी अपनी पसंद की चुनना चाहती हूँ। ये कह के वो लेडी अपना हाथ काट लेती है और रक्त बहते बहते उस लेडी की मृत्यु हो जाती है। और उस लेडी की आखिरी पल में भी जॉन विक बड़े ही दया के साथ उसके साथ ही था। फिर जब उस लेडी की मृत्यु हो जाती है जॉन विक उसे शूट कर देता है। फिर जब वो वहां से बाहर निकल रहे थे तभी बॉडीगार्ड उसे देख लेता है। बॉडीगार्ड जॉन को देख के ही समझ जाता है ये जरूर लेडी को मारने आया है। वो जॉन विक पे शूट करता है। जॉन वहां से भाग जाता है तभी बाकी बॉडीगार्ड्स जॉन विक के पीछे पड़ जाता है। जॉन विक उन सबको मारने लगता है और मारते हुए उस टनल के अंदर चला जाता है। तभी वहां सैंटिनो के आदमी भी आ जाते हैं जो जॉन विक को जान से मारना चाहते थे क्योंकि सैंटिनो जानता था जॉन विक यहां से सीधे सैंटिनो को मारने ही जाएगा। जॉन विक सैंटिनो के सारे बॉडीगार्ड्स को मार डालता है और रोड तक आ जाता है। वो वहां से जा रहा था तभी उसके ऊपर बॉडीगार्ड अटैक कर देता है। उन दोनों की जबरदस्त फाइट होती है और दोनों फाइट करते हुए अनजाने में ही दोनों कॉन्टिनेंटल ग्राउंड के अंदर एंटर हो जाते हैं। और कॉन्टिनेंटल का रूल था कॉन्टिनेंटल ग्राउंड के ऊपर कोई भी खून खराबा अलाउड नहीं है। मैनेजर उन्हें देख लेता है और कहता है तुम दोनों बार सेक्शन में जाओ और वहाँ ड्रिंक पी के अपना पारा हल्का करो। दोनों बार सेक्शन में बैठते हैं और ड्रिंक लेते हैं। जॉन विक यहाँ बॉडीगार्ड को बताता है मुझे मार कर दिया गया था और मैं मजबूर था, मुझे ये काम करना ही था। बॉडीगार्ड कहता है सही कहा जॉन, तुम मजबूर थे लेकिन तुमने उस इंसान की जान ली है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब था। मैं बदला लूंगा जॉन, लेकिन वादा करता हूँ मैं तुम्हें तर पाऊंगा नहीं, आसान मौत दूंगा। जॉन विक कहता है मैं भी तुम्हारे साथ यही करूंगा, मौका मिला तो मैं तुम्हें तर पाऊंगा नहीं, आसान मौत दूंगा। इसके बाद बॉडीगार्ड दोनों की ड्रिंक का पे करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉन विक अपने रूम में जाता है तभी उसे सैंटिनो का कॉल आता है। सैंटिनो कहता है जॉन तुम ही बोलो, अगर मैं अपने बहन के कातिल से बदला नहीं लूंगा तो ये दुनिया मुझे क्या कहेगी। जॉन फोन को काट देता है और हमें उसकी आंखों में साफ बदले की आग झलक रही थी सैंटिनो के लिए। यहाँ सैंटिनो जानता था जॉन विक कितना बड़ा कातिल है और जॉन विक सैंटिनो को मार के ही रहेगा। इसी कारण से सैंटिनो जान बचाने के लिए जॉन विक पे 7 मिलियन का इनाम रख देता है, मतलब जो जॉन विक को मारेगा उसे 7 मिलियन मिलेंगे। और वो इस मैसेज को शहर के सारे बड़े बड़े कातिल सभी के पास भेज देता है। देखा जाए तो पूरा शहर ही जॉन विक का दुश्मन था। नेक्स्ट सीन में विंस्टन सैंटिनो से वो मार्का ले लेता है और उसे वार्निंग देता है अब तुम्हें खुदा ही बचा सके, क्योंकि जॉन विक जिसे मारने का सोचता है उसकी मौत तय है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जॉन विक जिस मोहल्ले जिस गली से जा रहा था वहाँ उसके पीछे कातिल पड़ रहे थे। वो लोग जॉन विक को मारने की कोशिश तो करते हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं था। जॉन विक बड़े ही स्टाइल से उन सभी को जान से मारने लगता है। अब जॉन विक के रास्ते में बॉडीगार्ड आता है। दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे करते हुए दोनों मेट्रो में चढ़ जाते हैं। मेट्रो में बहुत ही भीड़ थी लेकिन जब थोड़ा सा खाली होता है दोनों चाकू से लड़ने लगते हैं। मौका होते हुए भी जॉन विक उसकी जान नहीं लेता। जॉन विक चाकू बॉडीगार्ड के दिल में मारता है। जॉन विक कहता है चाकू तुम्हारे हार्ट में है, अगर इसे बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो खून बहने से तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारी जान नहीं ले रहा, इसे रहम समझना। ये कह के जॉन विक वहां से निकल जाता है। यहां जॉन विक के पीछे दो इंसान पड़ जाता है। जॉन विक जख्मी था। जॉन विक एक इंसान के पास
पास जाके कहता है मुझे उसके पास ले चलो, कहो मैं जॉन विक हूँ। वो इंसान जॉन विक को वहाँ छुपा देता है और वो दोनों इंसानों को मार डालता है। इसके बाद जॉन विक का इलाज होता है, वो थोड़ा सा ठीक होता है। फिर वो इंसान जॉन विक को एक इंसान के पास ले आता है जिसका नाम किंग होता है। किंग कभी जॉन विक का दोस्त हुआ करता था। जॉन विक कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए किंग, मुझे सैंटोनियो तक पहुँचाओ। किंग कहता है क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं जॉन विक तुम्हारे लिए। जॉन विक उसे समझाता है देखो आप टेबल में सैंटोनियो का बहन नहीं सैंटोनियो है और वो हरामी है, वो पूरे न्यूयॉर्क को अपने कब्जे में ले लेगा और तुम्हारे अवैध धंधे करना बंद कर देगा, और अगर तुम उसके खिलाफ गए तो उसके पूरे लोग और हाई टेबल तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, और अगर उसे मैं मारता हूं, तो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इससे मेरा भी फायदा होगा तुम्हारा भी। अब फैसला तुम्हें करना है किंग, क्या तुम जंग लड़ोगे या मुझे आने दो, इस जंग को मैं खत्म करूंगा। यहाँ किंग कन्विंस हो जाता है और उसे एक गन और 7 गोलियां देता है। इसके बाद किंग उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखा देता है जिससे वो सीधे सैंटोनियो के पास पहुंच जाता है। वही सैंटोनियो टेबल में बैठ गया था और वो इसी कारण से पार्टी कर रहा था। तभी वहाँ जॉन विक आ जाता है और उसके सारे आदमियों को मारने लगता है। सैंटोनियो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। जॉन विक सैंटोनियो के आदमियों को मारता है और फिर सैंटोनियो के पीछे पड़ जाता है। सैंटोनियो भागते हुए एक मिरर रूम में पहुंच गया था। जॉन विक भी उसका पीछा करते हुए उस मिरर रूम में एंटर होता है। मिस्टर विक उस रूम में सैंटोनियो को हर तरफ ही ढूंढ रहे थे, लेकिन हर तरफ मिरर लगे हुए थे, इसी कारण से वो कंफ्यूज हो रहा था। सैंटोनियो विक को समझाता है देखो विक, मुझे मारने से तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, तुम पे लगा इनाम कम नहीं होगा, हर गली हर मोड़ में तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे लोग भागेंगे, बेहतर यही होगा जॉन तुम्हें शहर को छोड़ दो, एक नई जिंदगी शुरू करो जॉन। वही हम देखते हैं सैंटोनियो के बॉडीगार्ड्स भी उस रूम में जॉन को मारने एंटर हो चुके थे। मिस्टर विक चुपते और बसते हुए बड़ी ही शातिर तरीके से सभी बॉडीगार्ड्स को मारने लगते हैं। वही फीमेल बॉडीगार्ड सैंटोनियो को बचाते हुए उस मिरर रूम से बाहर कर देता है और वो जाती है जॉन विक से फाइट करने। फीमेल बॉडीगार्ड जॉन विक पे पूरे दम से हमला कर देती है, वो जॉन विक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन विक उसे नहीं बख्शता, उसे बहुत ही मारता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन उसकी जान नहीं लेता। वो उस लड़की को वैसे ही जख्मी हालात में छोड़ के उस रूम से बाहर चला आता है। वही सैंटोनियो भी भागते हुए जान बचाते हुए कॉन्टिनेंटल होटल चला आता है, क्योंकि वह जानता था यहाँ जॉन विक उसे मार नहीं सकता। सैंटोनियो विंस्टन से कहता है मेरी जान बचाओ विंस्टन, लेकिन विंस्टन कहता है मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है जॉन विक भी यहाँ आ गया था। वो आके देखता है सैंटोनियो बड़े ही मजे से खाना खा रहा था। यहाँ विंस्टन समझ जाते हैं जॉन विक गुस्से में है और वो उसे मार ही डालेगा, लेकिन वो कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर थे और यहाँ खून खराबा अलाउ नहीं था। विंस्टन कहता है जॉन तुम अभी बहुत ही गुस्से में हो, तुम यहाँ से चले जाओ। सैंटोनियो कहता है विंस्टन सही कह रहा है जॉन, तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी जॉन अपना गन निकालता है और उसे शूट करके मार डालता है। विंस्टन कहता है सत्यानाश। जॉन विक कहता है सारा किस्सा ही खत्म। इसके बाद मिस्टर विक कॉन्टिनेंटल होटल से चेकआउट कर लेते हैं, वो अपने घर आ जाते हैं। मिस्टर विक को अपने हालात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो रो रहे थे क्योंकि जब वो इस गलत राह को छोड़ना चाहते थे तो ये राह क्यों उन्हें नहीं छोड़ रही थी। तभी विंस्टन का आदमी आता है जो जॉन विक को कार से एक जगह ले आता है, वहाँ विंस्टन था। विंस्टन कहता है जॉन तुमने सैंटोनियो को सबके सामने कॉन्टिनेंटल होटल में मार के मेरे लिए कोई भी रास्ता ही नहीं छोड़ा है, अब सैंटोनियो के आदमियां तुम्हारे लिए बड़ा इनाम लगाए हैं, हाई टेबल अब तुम्हारे पीछे पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अब तुम्हारी जान जाएगी मेरे प्यारे दोस्त जॉन विक। विंस्टन जॉन विक को एक मार्कर देता है और कहता है मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, इसके अंदर तुम इस शहर से बाहर निकल जाओ। जॉन विक कहता है विंस्टन मेरे रास्ते में जो भी आएगा, जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा, मेरे रास्ते में आने वाले किसी की भी जान बख्शूंगा नहीं मैं। ये कहकर जॉन विक वहां से चला जाता है। अब यहाँ विंस्टन जॉन विक पे 14 मिलियन लगा देता है, मतलब 1 घंटे बाद अगर जो कोई भी जॉन विक को मार डालेगा उसे 14 मिलियन मिलेंगे, और उसे एक्सकम्युनिकेटो कर दिया जाता है, मतलब हाई टेबल या विंस्टन से उसे कोई भी मदद नहीं मिलेगी। सभी के फोन में ये मैसेज सेंड कर दिया जाता है। अब जॉन विक ये समझ जाते हैं पूरा शहर ही उसका दुश्मन है, वो जितनी जल्दी हो सके 1 घंटे में इस शहर को छोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भाग रहे थे और सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। जॉन विक तेज भागते हैं, लेकिन कितना तेज और कब तक
यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।